बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। करोड़ों रुपए के कार्य हुए स्वीकृत, जगह जगह हुए शिलान्यास और भूमि पूजन। ठीकरी समीपस्थ ग्राम विश्वनाथ खेड़ा, टिटगारिया खेड़ा, गौला एवं रणगांव, अभाली सहित कई ग्रामों में जल जीवन मिशन अंतर्गत नल जन योजना के दौरान करोड़ों रुपए के आज कार्य स्वीकृत हुए, जिसके शिलान्यास एवं भूमि पूजन जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने आज अपने दौरे के दौरान किया। कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश एवं उत्साह के साथ प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। वहीं प्रभारी मंत्री ने बड़े जोश से बड़वानी जिले का विकास को लेकर प्रतिबद्ध होने की बात कही। वहीं कहा कि पंचायत सचिव, सहायक सचिव, लाइनमैन सहित सभी विभाग के कर्मचारी जनता के कार्यों के प्रति रुचि लेकर छोटे बड़े कार्य तल्लीनता से करें, तभी आम जनता खुश होगी। मैं जमीन से कार्य करने में रुचि रखता हूँ। आयोजन के दौरान जिला अध्यक्ष ओम सोनी, सांसद गजन सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, पूर्व सांसद सुभाष पटेल, जिला उपाध्यक्ष वंदना राठौड़, अंतर सिंह पटेल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो हमारे क्षेत्रीय जो कार्यालय का आज यहाँ पर ओपनिंग हुई है, मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे जनप्रतिनिधियों को, आदरणीय सुमेर सिंह जी जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, और सांसद गजराज सिंह जी जो हमारे बिल्कुल ही सक्रिय सांसद हैं, हमारे मंत्री जी प्रेम सिंह जी और जनप्रतिनिधियों के जिनकी पूरी इच्छा शक्ति से आज इतना बड़ा काम यहां पर हुआ है। करीब 12,000 बच्चे यहां पर आके जो शिक्षा लेंगे, एक ये नया उदाहरण पूरे देश के सामने आएगा। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जिले के और राज्य क्या आएगा इस जीवन, आपने जिले की बात रही तो प्रभारी मंत्री के रूप में जो जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, और मुझे विश्वास है कि सभी मिलकर जनप्रतिनिधि जो उनकी भावनाएं कि इस जिलों को और ऊंचाइयों पर ले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराएं। अभी जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें हमने तय करा है कि एक तो जो छोटे छोटे काम होते हैं जो जनहित में जो योजना होती है सरकार की, उसको सही ढंग से हम पहुँचाएँ, और बड़े काम जो लाने उसके लिए हम योजना बनाएँ। और मेरे को विश्वास है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी, कि आपका सहयोग भी हमें मिलेगा। दूसरी लहर पे माननीय मोदी जी और शिवराज जी चौहान जी के नेतृत्व में हमने काबू पाया है। तीसरी लहर की हमारे पास पूरी तैयारी है, और मुझे विश्वास है कि पहली बात तो आएगी नहीं, और आएगी तो शासन की पूरी तैयारी।